हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, फिल्में जब रिलीज होती है बॉक्स ऑफिस पर सिनेमा घरों में, तो उन फिल्मों का, उन मेकर्स का, उन डायरेक्टर्स का फाइनल एग्जाम फिल्म के रिलीज के बाद से ही शुरू हो जाता है। लोगों की नजर सबसे ज्यादा होती है कि कौन सी फिल्म कितनी कमाई कर रही है। लोगों की नजर इस बात पे होती है कि किस फिल्म ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा। लोगों की नजर होती है कि फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की है। लेकिन हार जीत का फैसला करने के लिए एक और वेबसाइट आ गई है, IMDb, जिसे हम कहते हैं। मतलब कि IMDb पर जिस फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही हो, हम कह सकते हैं कि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जीतती हुई नजर आ सकती है। IMDb का खेल बहुत बड़ा हो गया है आजकल बॉक्स ऑफिस पर और लोगों के लिए। कॉलीवुड सुपरस्टार कमल हसन, विजय सेतुपति और फहद फाजिल स्टारर मास्टर फिल्म डायरेक्टर लोकेश कनक राजन की अपकमिंग फिल्म विक्रम को लेकर इन दिनों देखा जाए तो बहुत बज बना हुआ है, खासा बज है। यह फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हो रही है और फिल्म के ट्रेलर को सभी लैंग्वेज में धांसू रिस्पांस मिला है। फिल्म अगले महीने 3 जून को सिनेमा घरों में पहुंचने वाली है। इससे पहले ही कमल हसन स्टारर इस फिल्म के हाथ एक बड़ा कीर्तिमान लगा है। सामने आई ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कमल हसन की फिल्म ने IMDb रेटिंग में मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट में नंबर वन पोजीशन हासिल कर ली है। नंबर वन पोजीशन, मतलब आप सोच सकते हैं क्या हाल होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर 3 जून को। सामने आई जानकारी के मुताबिक IMDb रेटिंग में साल 2022 में आने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर कमल हसन, विजय सेतुपति और फहद फाजिल की फिल्म विक्रम है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है साउथ स्टारर अद्विशेष की फिल्म मेजर और तीसरे नंबर पे है लास्ट में अक्षय कुमार और बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज। जबकि टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में आमिर खान, करीना कपूर, स्टारर लाल सिंह चड्ढा का नाम गायब है। IMDb की टॉप 10 लिस्ट की बात करें तो नंबर 1 पे है विक्रम, जिसे 26% वोट मिले हैं। मेजर को मिले हैं 16%। ये फिल्म नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे है पृथ्वीराज चौहान 14.7%। नंबर 4 पे है विटला विशेषम 11%। नंबर 5 पे है जुग जुग जियो 7.2%। नंबर 6 777 चार्ली 6.6%। वेल, आपको बता दूं, ये बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और एक डॉग लवर की कहानी है, मजेदार फिल्म है, आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। नंबर 7 पे है राइटर 5.3%। नंबर 8 रॉकेटरी दी नंबी इफेक्ट 5%। नंबर 9 पे है जनहित में जारी, ये है नुसरत भरूचा की एक कॉन्सेप्चुअल फिल्म, आप लोग इसे जरूर देखें, 3.8%। नंबर 10 पे है डियर फ्रेंड 3.6%। तो ये है टॉप 10 IMDb लिस्ट, मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट। वेल, आपको बता दें कि फिल्म को कमल हसन के बैनर राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल के तले बनाया गया है। कमल हसन की मोस्ट अवेटेड फिल्म, जिससे उम्मीद की जा रही है कि उनके ढलान पर चल रहे फिल्म करियर को बूस्ट मिलेगा। फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनक राजन इससे पहले विजय सेतुपति और थलापति विजय के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म मास्टर डिलीवरी कर चुकी है। यही वजह है कि दर्शकों में खासा बज है। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज तीसरे नंबर पे है, क्योंकि बॉलीवुड की दशा जो है, फिल्में जो रिलीज हो रही है बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर उनका क्या हश्र है, ये तो हम सभी जानते हैं। और अक्षय कुमार की लगातार एक के बाद एक जो फिल्में फ्लॉप हुई है उससे भी बहुत असर पड़ा है। पहले, आप किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड है, पृथ्वीराज चौहान के लिए या विक्रम के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।